तो वैसे तो काफी सारी वीडियो आप लोग देखते रहते हो टीवी राइडर की, और काफी टाइम से डाल भी नहीं रहा था मैं, और काफी सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब ये क्या कुछ नया आ गया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये अपने सामने टीवी रेडर 125 रेड कलर के साथ, और इसमें जो अटेंशन लेने वाली चीज़ है वो ये क्रैश गार्ड जो कि रेड कलर का ही है, और अभी तक आपने ब्लैक कलर के देखे हैं। तो ये रेड कलर की बाइक थी, तो रेड कलर का क्रैश गार्ड जो कि राइडर के लिए ही स्पेशल बनवाया हुआ है, और काफ़ी सारी जगह पे क्या है किसी बाइक का लगा दे रहे जो कि पहले हम भी लगाते थे, लेकिन हमारे लगाने में इंस्टॉलेशन में और बाहर वालों को लगाने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है स्पेशली बनवा रखा है इसका, तो ये बनवाने से ये फ़ायदा रहता है कि जैसे आपने मान लो यहाँ पर नहीं आ सकते आप, तो कोरियर भी करा के खुद भी फिट कर सकते हो, प्लस इसकी जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, और फिटिंग में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर कनेक्ट है चेसिस से, यहाँ पर भी कनेक्ट हो गया, यहाँ पर भी कनेक्ट हो गया, और ये क्रैश गार्ड आपस में भी कनेक्ट है एक दूसरे से, तो मुझे आप चेक कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो इसकी कनेक्टिंग चेक कर सकते हो अलग है। तो चेसिस से कनेक्ट होने की वजह से इसमें बिल्डनेस मजबूती काफ़ी आ जाती है, साथ ही में इसमें आपको मिल जाता है दो स्लाइडर, जिससे कहीं मान लो राइड करते करते थक गए तो कुछ इस तरीके से आप इस पर पैर भी होल्ड कर सकते हो। और ये स्लाइडर जो है ये ब्लैक कलर के ही अच्छे लगते हैं, ये रेड कराने से जो है ज़्यादा मामला बेकार हो जाता। तो ये क्रैश गार्ड हो गया, और इस तरीके की सभी बाइक्स के अपने पास मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर फॉग लाइट हो गई जो कि है आपकी ये मिनी ड्राइव, जिसका काफ़ी अच्छा फोकस होता है। ये रहा इसका स्विच, ये स्विच आ गया इसका फॉग लाइट का, और अब इसका मैं इग्निशन ऑन करता हूँ तो सामने चेक करो आप इसका फोकस। ये है इसका वाइट का फोकस, और ये हो गया इसका येल्लो का, दोनों है। अब येल्लो क्या, जैसे मान लो बरसातें हैं या फॉग है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा रहता है, एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं। साथ ही में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर LED बल्ब जो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना हाई फोकस वाले, इनकी जो फोकस ब्राइटनेस है वो बहुत तेज़ है भाई। पैटर्न को चेंज करने के लिए इंडिकेटर वाला स्विच है, इसको दाएं बाएं बीच में दबाना होता है आपने जल्दी जल्दी, तो पैटर्न चेंज हो जाते हैं। पीछे भी चेक करो इसका फोकस है, तो ये बहुत ही हैवी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक टायर हैगर लगा रखा है, क्योंकि बरसातों में क्या होता है कीचड़ वगैरह यहाँ पर आ जाती है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक टायर हैगर लगा दिया है। सिंगल सेट फिटिंग है, मिट्टी वगैरह जो है वो इधर ही रहेगी आपकी। और जो मैंने फोग लाइट आपको दिखाई थी इसके अंदर आप चेक करोगे तो क्लैंप लगा रखी, तो ये क्लैंप ऐसी होती है ये सदा बाहर है, एक बार आपने लगा दी तो लगा दी ना, ये लूज़ होती बाइक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी ये क्लैंप ख़त्म नहीं होगी। इसको आप दूसरी बाइक पे भी यूज़ कर सकते हो, मेटल में रहती है, LNG से टाइट हो जाएगी फिर कहीं नहीं जाएगी। इसके अलावा एक वाइज़र यहाँ पर लगा रखा है जो कि डिज़ाइनिंग के साथ में यहाँ डिज़ाइनिंग कर रखी है, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। एक यहाँ पर लगा रखी है विंगलेट, इस पार्ट को विंगलेट कहते हैं। ये है आपका मोबाइल होल्डर, अनब्रेकेबल है, और ये भी कहीं नहीं जा रहा। तो ये हो गई आपकी लुक यहाँ से कुछ इस तरीके से। एक यहाँ पर चेक करो ये सीट, तो ये सीट जो है एक्चुअल में क्या है, ये टूरिंग सीट बना रखी है, सिंपल है, मतलब कलर वगैरह सिंपल लिया गया, बाकी कुछ नहीं बहुत हैवी है इसकी। बाकी आप लोग चाहो तो कलरफुल वाली भी लगवा सकते हो, तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ऐसा नहीं है धागे वाली हो, तो पूरी स्टेपल कर रखी है, तो ये कहीं नहीं जाने वाली दोस्तों। बाकी अगर आप इस तरह काम कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह सब कुछ मिलेगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक लेट देन, बाय, जय हिंद, जय भारत।